हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ इस प्रकार से जश्न ईद मिलाद उन नबी का ग्रुप पोस्टर बनाना सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आप लोग देखते रहिए ताकि आप लोग भी इस प्रकार से जश्न ईद मिलाद उन नबी का ग्रुप पोस्टर बना सको। दोस्तों, इस पोस्टर को बनाने के लिए जो भी PNG PLP मटेरियल यूज़ हुआ है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उसमें एक पासवर्ड लगा हुआ है जो इस वीडियो में आप लोग को 3 स्टेप में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग को PNG चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, पोस्टर बनाने के लिए पिक्चलैब एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहाँ जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, पोस्टर बनाने के लिए पिक्चलैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे न्यू टेक्स्ट को हम लोग डिलीट कर देंगे। उसके बाद राइट साइड कॉर्नर में ऊपर की साइड पे 3 डॉट के निशान पे क्लिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल करके ओपन PLP फाइल पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे PLP पे क्लिक करेंगे, यहाँ एरो के निशान पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमने फाइल को डाउनलोड करके सेव करके रखा हुआ है वहाँ से हम लोग फाइल को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे ईद मिलाद उन नबी PLP पे क्लिक करेंगे, ओपन एंड ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे, उसके बाद बैक हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा PLP फाइल ओपन हो जाएगा। अब इस PLP फाइल में हमको जो भी चेंज करना है वो चेंज करके हम लोग अपना ग्रुप पोस्टर तैयार करेंगे। इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमको चेंज करना है उसे डिलीट करके या एडिट करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो PNG लगा रखा है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये फ़ोटो PNG पसंद नहीं है तो इसे डिलीट करके नई फ़ोटो PNG आप लोग ऐड कर सकते हो। इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी ये फ़ोटो PNG है वहाँ पर डिलीट वाले आइकॉन पर क्लिक करके इसे डिलीट कर देंगे। साथ ही दोस्तों, प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाके हम लोग नई फ़ोटो PNG ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है जश्न ईद मिलाद उन नबी की तहे दिल से मुबारकबाद। दोस्तों, यहाँ पे जो जश्न ईद मिलाद उन नबी लिखा हुआ है वो कृतिदेव फॉन्ट है। तो अगर आप लोग के पास इससे भी बढ़िया कोई फॉन्ट है तो उसे यूज़ कर सकते हो या फिर इसे ही रहने दे सकते हो। अब दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे मैंने पता में इस्लामिया अखाड़ा अहिरौली लिखा हुआ है। दोस्तों, आप लोग अपने गांव का नाम या अपने अखाड़े का नाम यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी पता लिखा हुआ है वहाँ पे पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे, पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने गाँव का नाम या अपने अखाड़े का नाम लिख के ओके कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मैंने ग्रुप फ्रेम लगा रखा है। यहाँ पे दोस्तों, आप लोग अपना, अपने दोस्तों का, अपने गांव के लोगों का या अपने परिवार के लोगों का फ़ोटो PNG लगा के अपना ग्रुप पोस्टर तैयार कर सकते हो। इसके लिए प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे और जहाँ भी फ़ोटो PNG सेव करके रखा हुआ है वहाँ से हम लोग फ़ोटो PNG को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मैं ये वाली फ़ोटो PNG ले रहा हूँ। उसके बाद इसको क्रॉप करके हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे जितना भी हमें चाहिए, उसके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे बड़े वाले बिंदु पे क्लिक करेंगे और इसको छोटा कर लेंगे जिससे फ्रेम के अंदर सही जगह पे आ जाए। उसके बाद दोस्तों, इस वाले बिंदु को पकड़ के थोड़ा सा खींच देंगे। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो PNG ऐड कर दिया है। इसी प्रकार से दोस्तों, बाकी की फ़ोटो PNG ऐड करके अपना ग्रुप पोस्टर तैयार कर सकते हो। अब दोस्तों, इस पोस्टर को हम लोग गैलरी में कैसे सेव करें, इसके लिए शेयर वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे, इमेज फॉर्मेट में JPG या PNG सिलेक्ट करेंगे, क्वालिटी डायमेंशन में अल्ट्रा सिलेक्ट करेंगे और सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, इस प्रकार से हमारा पोस्टर गैलरी में सेव हो जाएगा।
दोस्तों इसी प्रकार से आप लोगों को फेस्टिवल का या अपने शॉप का बैनर बनवाना है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा जिससे अपने मोबाइल से ही पोस्टर बना सको। दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।